भाई हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए माता सावित्री बाई फुले कौन है भाई, जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको दो दो साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में, बीबी फातिमा शेख उसको उसका संरक्षण करती थी, आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब दो साड़ी क्यों, गंदगी और यहां तक कि बिस्ठा भी फेंका जाता था। अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को, और उनकी पीड़ा से निकली बातें अगर हम कहते जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने, अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? या देखिए मेरे सामने है किसी के पास जवाब बीबीसी न्यूज का कि भाई कोविंद साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत रोकने वाले खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई एशियन सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ, ये उस समय के राष्ट्रपति, अभी तत्कालीन राष्ट्रपति। देखिए मैंने रवि विष्णु जा सकते हैं, है ना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जा सकते हैं मंदिर के गर्भगृह तक, मगर राष्ट्रपति चूंकि एक आदिवासी समाज की है तो उसको गर्भगृह में जाने से रोका जाता है, है किसी के पास जवाब इसका? जीतन बाबू मांझी जनसत्ता का रिपोर्टिंग, जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया, रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया, ये सबको मालूम, आपको भी मालूम। 70 के दशक में तब के केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम जब बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए तो संप्रदायवादियों ने उसको गंगा जल से धोया, कमाल है, 48 साल बाद भी वही हो रहा है और उस पर लोगों का जुबान नहीं खुलता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना है कि मैं बिहार के मोदी जी और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आपको एकलव और सबरी के बेटे का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उसको जब चंदा और श्रम की जरूरत पड़ेगी, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे? ये बड़ा उदाहरण है, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को तुम धो देते हो, घुसने नहीं देते हो। तो हजारों साल से जो सता गए लोग हैं उनको आज भी सता करके तुम और उसको ठग करके गांव गांव में अच्छा चल रहा है, अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और जीविका बेरोजगारों के एक बड़ा 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 साधन है, जीविका का और जीविका बिना स्कूल गए हुए हो नहीं सकता है। तो महाविद्यालयों, माता सबरी ने अगर प्रभु श्री राम जी को सबरी के प्रभु श्री राम जी को जूठे बैर खिलाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, मगर हमको आज भी आपत्ति हो रही है, हमारे लोगों को हमको आज भी आपत्ति है। तो सीधी तौर पर इस तरह के लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके बिहार के मोदी जी से, कि क्या आपको और भाजपाइयों से, क्या आपको महाविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता का वोट नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे चैत्र की पूजा करते हैं जिसको इस जगत के लोग नमन करेंगे।
देखिए एक सच बताता हूं, मार्टिन किंग लूथर को मैं बदल लूंगा क्या? मार्टिन किंग लूथर ने कहा, देश जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करते हैं, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। देश जहां सियासत धार्मिक मसले को शांत करता है, वह देश महान होता है। मैंने नहीं कहा ना। अब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन किंग लूथर, सबको कह दो कि फालतू है। तो नफरतवादी, संप्रदायवादी, मनुवादी ताकतों से हमारे पुरखे भी लड़े हैं, हम समाजवादी को लड़ना है, जीवन पर्यंत लड़ूंगा इन नफरतवादियों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।